माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट के यानी पार्ट नंबर वन के अंदर मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन बता दिया, टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, जिस तरह टी डिस्ट्रीब्यूशन एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो हमेशा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से कंट्रोल होती हैं। जिस तरह सिंपल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो पैरामीटर्स से कंट्रोल होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से कंट्रोल होती हैं। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोस्टली जो है वो सैम्पल साइज से रिलेटेड होता है। तो अब जो टेबल मैंने आपको टी टेबल शेयर कर दिया है ग्रुप के ऊपर पहले ही, वो टेबल मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखिए, वन डायमेंशन हैज बीन एलोकेटेड और कैप्चर्ड बाय और ऑक्यूपाइड बाय द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर चूंकि एक तरफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया, दूसरी तरफ एरिया सारे के सारे कैलकुलेट नहीं हो सकते थे, तो सिलेक्टेड एरिया की वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पर इन्होंने कॉलम हेडिंग्स बना दी हैं। एंड यू कैन कंसिडर दीज वैल्यूज एज अ वैल्यूज ऑफ अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब मुझे बताएं कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अभी तक पढ़ाया है मैंने आपको? ऑब्वियसली 0.05। तो 0.05 या 0.025, अगर टू टेल टेस्ट हो तो ये दो हमारे काम आएंगे मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई और टीचर पढ़ा रहा है तो वो अल्फा की वैल्यू इन दो के अलावा भी कर सकता है। मैं फिलहाल इन दो वैल्यूज के दरमियान चलता हूँ। तो ये टेबल आप देख चुके हैं, इससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के लिए मैं कुछ क्वांटाइल्स ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूँ आपसे। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, मुझे बताएं अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 हो और टी का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 हो, तो इस वीडियो को पॉज करके मुझे वैल्यू ऑब्जर्व करके बताएं टेबल से। आप यकीनन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉलम में देखेंगे 4.05, ऑब्वियसली द आंसर इज 2.132। इसी तरह सेकंड मैं इसका पार्ट आपको दे रहा हूँ, पार्ट बी। जरा ये ऑब्जर्व करें, अल्फा की वैल्यू है 0.025, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द वैल्यू ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिमेन्स द सेम विच इज 4। क्या डिफरेंस आ रहा है? यकीनन ये 2.776 है। तो ये मैंने एक अदद पेयर ऑफ वैल्यूज क्वांटाइल वैल्यूज ऑब्जर्व करवा दिया आपसे। एक दफा ये एक्सरसाइज और करें पार्ट सी के अंदर। अब आप करें अगेन, अल्फा इज 0.05, दिस टाइम आई हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम व्हिच इज फ्रॉम 4 to 19। मैंने अपनी तरफ से, ये गिवन है, मैंने दिया है आपको 19। अब मुझे बताएं कि यहां पर क्या आएगा टेबल से देख के? यकीनन द आंसर इज 1.729। और इसी तरह लास्ट पार्ट जो है इसका, ये है कि इफ आई गिव यू द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.025 ऑन 19 वैल्यू ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज द रिजल्ट? अगेन आप वीडियो पॉज करके रिजल्ट निकाल चुके होंगे, रिजल्ट इज 2.093। अब देखें दो अदद कंपैरिजन, फर्स्ट पेयर ऑफ वैल्यूज, सेकंड पेयर ऑफ वैल्यूज, यानी ए बी एक साथ कर लें, सी डी एक साथ कर लें, और उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन आप करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो क्वांटाइल्स जो मैंने आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाली स्लाइड्स के किसी पार्ट के अंदर बताए थे, वो 1.645 और 1.96। ये कौन सी वैल्यूज ऑफ अल्फा पे थे? आपका जवाब यकीनन सही है, अल्फा 0.05 हो तो जी का क्वांटाइल 1.645 प्लस माइनस में दोनों तरफ आ सकता है। इसी तरह अगर अल्फा की वैल्यू 0.025 हो तो ये प्लस माइनस 1.96 आ सकता है। अब मुझे बताएं 1.645 और 1.96 इन दोनों में कौन से, इन दोनों पेयर्स में से कौन सा पेयर इन दो वैल्यूज से क्लोज है? यकीनन द आंसर इज करेक्ट। आप कहेंगे ये वाला जो लास्ट टू वैल्यूज ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज हैं ये इससे ज्यादा क्लोज नजर आ रही हैं। तो इससे क्या समझ में आया? वो ये समझ में आया कि जब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को बढ़ाने लगते हैं तो टी के क्वांटाइल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वांटाइल्स जैसे होने लगते हैं। और इसका वाजे सबूत वही टी का टेबल है जो इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद है। मैं उसी टेबल को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ ये रहा वही टेबल जो आप लोग देख रहे हैं, जो आपके पास है। लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज अभी तो यहाँ से शुरू हुई हैं, ठीक है? और इसमें आप लोगों ने जो चीज़ें ऑब्जर्व की, 4 के ऊपर 0.05 और 0.025 पे दो क्वांटाइल वैल्यूज आपने निकाली, इसी तरह 19 पे निकाली आपने। अब मैं और कुछ नहीं चाह रहा, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसके एंड में आ जाएं टेबल के, जैसे 1000 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखा है इस पे, आप ये चेक कर लें कि दोनों वैल्यूज को। तो ये 1.646 जो कि क्लोजर टू 1.645 है, और 1.962 विच इज क्लोजर टू, क्वाइट क्लोजर टू 1.96। तो जब 1000 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे पहुंचे, आप देखिए कमोबेश जी और टी के जो क्वांटाइल्स हैं वो बिल्कुल बराबर हो गए। और इसी के साथ हम दोबारा उस लेक्चर की तरफ जाते हैं। जी जनाब, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेनेवर द सैंपल साइज इज लेस देन 30। तो मैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर पे जाने से पहले एक छोटा सा प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना चाहूँगा। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है,
मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टी बेस्ड, टी क्वांटाइल बेस्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होते हैं फॉर सिंगल एवरेज, वो किस तरह से बनते हैं। सिग्मा अननोन है और सैम्पल साइज लेस देन 30 है। यकीनन एक अदद एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी अभी पढ़ी है, तो उसके लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेगा सिंगल एवरेज का, वो इस तरह से बनेगा कि एक्स बार माइनस टी। अच्छा देखने में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन बिल्कुल परेशान मत हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग जी अल्फा बाई टू, हेयर वी हैव रिटन टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेंशन करना जरूरी है। दोनों तरफ आप देखें, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में टी का क्वांटाइल डिफाइन हुआ हुआ है। अब इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट कर दें आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। अगर हमारे पास एक्स बार की वैल्यू 61.4 हो और एस की वैल्यू 13.13 हो, दूसरी तब्दीली आप देखें यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ सिग्मा वी हैव मेंशन एस। यकीनन हम यहाँ सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सैंपल साइज लेस देन 30 है, यानी सैंपल साइज जो है हमारा सिर्फ 5 है। एन की वैल्यू 5 और एस की वैल्यू 13.13, एक्स बार की वैल्यू 61.4। तो अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यकीनन सिंस 1 माइनस अल्फा इज 0.95, अल्फा की वैल्यू 0.05 है, अल्फा बाई टू इज 0.025, और आप और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन यानी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है। कुछ याद आया आपको थोड़ी देर पहले, यानी पिछली स्लाइड के अंदर आप लोगों ने इसकी वैल्यू ऑब्जर्व की हुई है, कि मैंने इसीलिए आपको वो ऑब्जर्व करवाई क्वांटाइल, ताकि हम एक्सरसाइज में अपने केस में यूज कर लें उसको। तो क्या वैल्यूज थी क्वांटाइल, एग्जैक्टली यू आर राइट, तो वो क्वांटाइल वैल्यूज मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। डेलिबरेटली मैंने एक्स बार की वैल्यूज नहीं लिखी, आप लोग जरूर लिखें यहाँ पर 61.4 जो आ रही है उसकी वैल्यू वो लिखें, और उसके बाद ये वाले कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर दें। आप चाहें तो मेरी वीडियो पॉज करें और कैलकुलेट कर लें, और जो आंसर है वो ये आया है। गोया इन्वेंट्री की वैल्यूज जो हैं उसका एवरेज कहीं भी 45.1 से लेकर 77.7 तक वेरी कर सकता है। यकीनन ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल विच इज बेस्ड ऑन टी क्वांटाइल, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटाइल, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के, और ऐसी सूरत में आप यूज कर सकते हैं कि जब आपका सैंपल साइज 30 से कम हो तो हम सिग्मा यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना होगा। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको हाइपोथेटिकल केसेस की तरफ लेके जाऊंगा जो टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है।